क्या बात, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। अपने 5 साल के बच्चे को कोई अपनी माँ किसे मार सकता है ब्रो? चुमकी टोटा। कमेंट में बताना ये कैसा जगह है। ये ड्रेस लगा कर मैं पब्लिक डांस करूंगा बहुत जल्द। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 3 बज रहे हैं। अभी मैं अपने दुकान आया था खाना खाने के लिए और अपने रॉकी को लेकर अभी हम लोग जा रहे टूवर्ड्स जयगांव, बिकॉज आपका भाई का जो हेयर है ना बहुत ही भूतिया लग रहा है, तो हम आज बाल कटेंगे बहुत महीनों बाद। अभी मैंने खाना खा लिया और कल राम रैली था और रात को दोस्त का शादी था ना, इतना ज़्यादा इंजॉय किया। रात को लेट से आया और आज मुझे ब्लॉग अपलोड करना था, वो पूरा एडिट हुआ ही नहीं है। तो अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं ब्लॉग एडिट करूंगा तो आज का ब्लॉग नहीं बनेगा, और आज का मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊंगा। लड़की हंस रहा है गाइस, लड़की हंस रहा है, लड़की हंसी तो फंसी। पलट 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 पलटी पलटी पलटी। तेरी भाभी गई वहां पे, देखा तूने? गया ऑटो में अल्लाह मा वो, लेट्स गो। तो यही है गाइस, डेली ब्लॉगिंग तो रुकना नहीं चाहिए। अपने लाइफ में जो हो रहा है हम आपको वही दिखाएंगे और देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, ये देखो रास्ता, देखो भाई साहब अभी तो मोटकट भी नहीं है, पिछवाड़ा अपना भैया का खराब गंदा हो जाएगा देखना, पर हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे जाने का। ओके गाइस, हम जयगांव पहुंच चुके, पूरा सुना सुना लग रहा है आज तो। कल तो भाई यही जगह पे रैली इतना खतरनाक हुआ था ना, क्या बताऊं। और गाइस, आपके मन पे बहुत सारे सवाल होंगे मेरे लिए, तो एक क्यों ना Q&A करते हैं। तो आप सभी का जो भी सवाल है नीचे दिए गए कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप आपको उसका Q&A का आंसर मिल जाएगा। ओके, नहीं तो आप लोग इंस्टाग्राम में जाके ना मुझे ना वीडियो बना के क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हमको पूरा फुल जो Q&A बनाएंगे हम उसका आंसर दे देंगे। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग दीदी, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हुआ आज, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। हो तो कोई भैया सब किधर गया? तो मेरा हेयर कट कौन करेगा? आप करेंगे? नहीं, अच्छा अच्छा, तो भैया थोड़ा सा मार्केट गया, थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों। ओके गाइस, मैं पिछले 2 घंटे तक वेट किया और हमारा भाई आ चुका है। अच्छा हुआ तुम थोड़ा सा लेट आया, बिकॉज मेरा कल वीडियो एडिट नहीं होता ना, तो यहीं बैठ के मैंने वीडियो पूरा एडिट करके पब्लिश कर दिया हूँ। डेली ब्लॉगिंग रुकना नहीं चाहिए। और ये अपना भैया देख सकते हैं दोस्तों, यहीं पे खड़े खड़े सो गए। तो अभी ये सीन है, अभी अपन करते हैं पहले हेयर वॉश। दीदी वैसे आपका गुड नेम क्या है? चुमकी टोटो। आप बहुत खूबसूरत हो। और ये सैलून का नाम है इन्फ्यूज सैलून। ये रहा गाइस, जो कोई भी जयगांव से देख रहे तो आ जाना यहाँ पे। वैसे जो टोटापारा से बोला ना दीदी, वो ना बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है दोस्तों। वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, लाइक ट्रेडिशनल बहुत पुराने जमाने से वहाँ पे रहते हैं ना। उन लोग का ट्रेडिशनल हमारे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वर्ल्ड में ना एक ही जाते रहते हैं, वो है टोटो ना दीदी। हम गए थे छोटे में, अब कुछ दिनों में शायद जाएंगे, नदी क्रॉस करके जाएंगे या तो रास्ते से भी जा सकते हैं। दीदी आपके हाथों में जादू है पता है, आप जब ऐसे ऐसे करते हैं ना हमको नींद लग जाता है। हेयर कट करने में इसलिए आता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि मुझे ना वो अच्छा लगता है। हेयर कट करते करते ना मैं सो जाता हूँ। वैसे चुमकी जी, आपका शादी हो गया? नहीं हुआ है। आपको कैसा लड़का पसंद है? आप नहीं बता सकेंगे? अपना सपनों का राजकुमार तो अब होना चाहिए ना, एक दिल पे कि ऐसा होना चाहिए। अभी शायद आई आपने सोचा नहीं है उसके लिए ना। ठीक है, और गाइस ये हेयर कट करने के बाद हम जाएंगे पिज्जा लेने, बिकॉज कल मैंने बहन को प्रॉमिस किया था, मैंने बहन को एक्चुअली रुला दिया था ना, तो मैंने उसको बोला था हम पिज्जा लेकर आएंगे आपको शाम को। तो अभी वीडियो एडिट करते करते वो याद आया मुझे, तो ये कटिंग करने के बाद पिज्जा लेके बहन के पास चल जाए। ठीक है, सो गाइस हेयर कट हो चुका है, अभी हेयर वॉश हो गया, अभी थोड़ा सा आई थिंक फेस क्लीन होगा।
ऑल राइट गाइस, कटिंग हो चुका है एंड देख सकते हैं अपना भाई का लुक कैसा लग रहा हूँ कमेंट में बता देना। मुझे पता ही है मैं चिकना दिख रहा हूँ बिकॉज बाल काटने के बाद हर कोई हैंडसम ही लगता है। तो गाइस यहाँ से निकलने से पहले ना एक हादसे के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि कुछ दिन पहले ये हुआ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ये हादसा हुआ है। लाइक अभी न्यूज में या तो मीडिया में आप ये चीज देख सकते हैं। तो आपको मैं कहानी बता दूं तो लाइक एक हस्बैंड एंड वाइफ था जिसका बच्चा था 5 साल का, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ का बहुत ही झगड़ा होता था तो डिवोर्स के लिए भी बातें वो तो हुआ था। तो बच्चा छोटा था ना तो उसको माँ के लिए छोड़ दिया। हर कोई माता पिता अगर छूट जाता है तो बच्चा को मिलने के लिए तो हर कोई तरसता है ना। तो पिताजी को ना वो वाइफ जो है ना मिलने ही नहीं देता था अपने बच्चे से, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि सुचाना जो सेठ है बेंगलुरु से गोवा के लिए निकल पड़े अपने बच्चे को लेकर, ठीक है, एक होटल में। तो सुचाना सेठ और अपने बच्चे के साथ आई थिंक वहाँ पे एक दो दिन होटल में रहा एंड उसके बाद ना सुचाना चेकआउट कर रहे थे ना तब उसके साथ ना वो बच्चा नहीं था। तो स्टाफ ने पूछा कि एक्सक्यूज मी आपका बच्चा आपके साथ आया था वो तो नहीं है। तो सुचाना सेठ ने ऐसा प्रिटेंड किया कि नहीं वो तो मेरे साथ नहीं था क्योंकि आते रहते वो किसी का बच्चा होगा बोल के, तो ऐसा बात किया। फिर भी वो स्टाफ को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, ठीक है। तो सुचाना सेठ को कहीं पे निकलना था तो उसके साथ एक सूटकेस था उसके साथ। और सुचाना ने बोला मेरे को एक प्राइवेट गड्डी कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ कहीं दूर। तो उसको वहीं होटल वाले ने प्राइवेट गड्डी कर दिया। जब वो ड्राइवर आया तो सुचाना सेठ ने बोला कि मेरे साथ एक सूटकेस है जाओ लेके आओ। जब ड्राइवर सूटकेस को लेने के लिए गए जब उठाया ना तो ऐसा भारी हुआ ना, लाइक नॉर्मली जो सूटकेस में कपड़ा वपड़ा होता है वो उतना भारी नहीं होता, बट उसको इतना भारी हुआ। फिर भी उसको गड्डी के पीछे रख दिया। तो सुचाना सेठ अपने प्राइवेट गड्डी पे निकल पड़े और उसके बाद होटल वालों ने ना जाके रूम चेक किया तो क्या दिखा पता है? भाई साहब मत पूछो, अगल बगल में पूरा ब्लड ही ब्लड। एंड उसके बाद उन लोग को शॉक हो गया कुछ बुरा हुआ है। तो पुलिस को आई थिंक उन लोगों ने फ़ोन पे बात कर दिया एंड पुलिस ने सीधा वो ड्राइवर को कॉल किया। एंड ड्राइवर को कॉल करने के बाद बोला आपके पास एक लड़की है और उसके साथ कौन कौन है? उसने बोला खाली वही है, तो उसके साथ तो बच्चा भी था। पुलिस ने ऐसा बात किया तो पूरा सॉफ्ट हो गया। पुलिस ने बोला आपको कुछ नहीं होगा, पूरी निगरानी हमारे अंडर पे है, तो आप क्या कीजिएगा उसको वो लड़की को लेकर आप सामने वाले पुलिस स्टेशन पे चले जाएगा, ठीक है। तो सुचाना सेठ वो ड्राइवर से ऐसे बात कर रहा है कि कुछ लाइक हुआ ही नहीं, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, ठीक है। तो ड्राइवर ने सीधा जाके पुलिस स्टेशन पे गाड़ी लगा दिया। तो सुचाना ने ऐसा बोला कि क्या हुआ भैया, यहाँ पे क्यों रुका है? तो ऐसा होता ना कोई डाउट ही नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो थोड़ा सा पुलिस का कॉल आया था तो ऐसा ऐसा बोल के आप यहाँ पे रहिए, जब पुलिस आके पूरा चेक करेगा तो उसके बाद हम लोग को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसने भी ओके बोला। जब पुलिस आया उसके बाद पूरा वो उसका चेक किया तो उसके साथ तो वो बच्चा था ना तो नहीं मिला ना। तो क्या हुआ, सुचाना भी नॉर्मली बात कर रहे, ठीक है। तो सूटकेस खुलाने का बात हुआ पुलिस में, तो सुचाना ने बोला कुछ नहीं है, उसने खुद खोल के दिखाया भी ऐसे नॉर्मल करके, पूरा कपड़ा कपड़ा ही था, ठीक है। तो जब पुलिस ने चेक किया वो सूटकेस को, वो सूटकेस के कपड़ा जब हटाया ना क्या निकला पता है? वो सुचाना सेठ का ही बच्चा। भाई साहब, अपने माँ ने अपने बच्चे को जो 4-5 साल का बच्चा था उसको मार के वो सूटकेस के अंदर रख दिया था। भाई कैसी माँ हो सकती है सोचो आप, उसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद तो पुलिस ने पूरा उसको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद कार्रवाई चलेगा। तो आप देख ही सकते हैं ऐसा हादसा होता है आज के टाइम पे, तो इसलिए स्टे सेफ दोस्तों। दोस्तों वहाँ पे ना प्रोग्राम हो रहा है और ये रहा अपना रॉकी, चले निकलते मार्केट की ओर। थैंक यू सो मच ब्रदर। गाइस हम आ चुके हैं मार्केट कपड़ा खरीदने के लिए। ठंड का महीना चल रहा है तो गर्म कपड़ा ही देखना पड़ेगा ना, स्टाइलिश है। ये लो जी, इसको क्या बोलते हैं? LB का जैकेट है दोस्तों, एज यू कैन सी काफी आई थिंक अच्छा दिख रहा हूँ। देखो कमेंट में बताना ये कैसा जैकेट है, आई थिंक मैं ये लेने वाला हूँ। और अभी तो पूरा ट्रेंड चल रहा है वो स्पाइडरमैन वाला जैकेट होता ना, ये वाला जैकेट। ये है अपना स्पाइडरमैन का जैकेट, इसको तो पूरा चेन लगाने से अच्छा दिखता है, पता है? ओए मां, स्पाइडरमैन मैंने चुराया तेरा दिल का चैन। ओहो, ओ ओ ओ ओ गॉड, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा, तो थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी है दोस्तों। ये देखो मैं एक आंख से दो आंख से देख पा रहा हूँ मैं आपको, पता है? लौट आ गए स्पाइडरमैन मैंने चुराया तेरा दिल का चैन। ओहो, ओह ऐसा करके
जब हम पहला स्पाइडरमैन देखा था ना उस टाइम हम बहुत छोटा था, मैंने क्या किया पता है, बाल बाल में मरते मरते बचा, क्या किया मैं एकदम छोटा था, मैं स्कूल जाने वाला था, मेरे शूज के अंदर मकड़ी, मकड़ी को पकड़ के मैं इसे इधर कर रहा हूँ, काट मेरे को काट, और काटने का मैं ऐसा कर रहा था, ये अगर वो सच में काट देता था उसी टाइम फीजी फीज हो गया, आज मैं यहाँ पे नहीं होता। ये ड्रेस लगा कर मैं पब्लिक डांस करूंगा बहुत जल्द। ये है अभी का सबसे ट्रेंडिंग सोच है। अच्छा अच्छा, टी शर्ट भी खोल लो, टी शर्ट भी खोल लो, सिक्स पैक दिखा देना। अच्छा, तुम्हें मेरा बॉडी देखने का बहुत शौक है। हाँ, दिखाओ। आओ कभी हवेली पे, सब कुछ दिखा देना। नहीं, नहीं, अभी खोलो। अच्छा प्लीज। पता है कुछ महीनों पहले ना मेरा 55 वेट था, अभी मेरा कितना हुआ गेस करो। कितना हुआ? 50 ना, फिर ना 66 केजी का हो चुका हूँ मैं, एकदम लग रहा हूँ ना ब्रूस ली। देखा, कम ऑन ब्रो या कम ऑन, ऐसा करके होता है ना एक मैन में। ये देखो ये टैलेंट तुम्हें फ्री में देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो अभी कुछ कपड़ा हमें फ्री में देना का। बाबा रामदेव भी फेल है। ये देखो दो महीने। सो ये लगाने के बाद मैं हो चुका हूँ लॉस एंजल। मिरर में देखना एक बार, पहले मिरर में देखना। नहीं तुम बताओ ना मैं कैसा। नहीं हम सोचेगा तो फिर तुम बोलेगा दुकानदार अच्छा ही बोलते हैं। ये तो सही बात है, दुकानदार तो हमेशा अच्छा ही बोल रहा है। हर कोई एक, तुम अच्छा नहीं बोलेगा तो कोई खरीदेगा तुम्हारा सामान? हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना ब्रदर। अच्छा, नॉट बैड, बट ये ना कुछ तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा लग रहा हूँ भैया? अच्छा, हाँ ब्रदर का डिसीजन, अच्छा लग रहा हूँ ना। ओके अब मस्त मस्त वाला पैंट निकालो। अब मैं इतना शॉपिंग करके जाऊंगा ना, माँ मेरे पर गुस्सा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले बोला था बेटा आज के बाद कपड़ा जूता कुछ भी नहीं खरीदने का, क्योंकि मैं ज्यादा खरीदता हूँ बट लागत बहुत कम हूँ ना। फिर भी अपना अपना एक शौक होता है जो पूरा कर रहे। लिवाइस। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था लिवाइस। दोस्तों मुझे तो लगता है लिवाइस कंपनी से सीधा तुम्हारा कॉन्टेक्ट है ना। नहीं इतना लंबा क्यों, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो खाली लिवाइस का ही पेंट मिलता है। वो नहीं है, खास नहीं है ब्रो, थोड़ा अच्छा वाला दिखाओ। इसमें मोटा वाला ले लो। हाँ मोटा वाला दिखाओ, ये फास नहीं है। नहीं ये कौन सा लिवाइस है तुमको पता है? ये लिवाइस वाला लिवाइस है ना, इसीलिए। अच्छा लिवाइस वाला लिवाइस है। ये देखो ये क्या होगा, भूखा हो गया, बम दिखता है मस्त है। इसको बोलते हैं थोड़ा बढ़िया है। ये तो कलरलेस है भाई, कलरलेस नहीं, इसका लगाओ, ये प्योर जींस में ब्लैक कलर का, इसलिए तुम कैसे दिखाते, इसको खोल के लगाओ फिर समझ में आ जाएगा। इसमें एकदम परफेक्ट है। और दूसरा कलर का कुछ, एक ग्रे कलर देना पड़ेगा भाई। ये पैंट तो कुछ दिन पहले मैं लेके गया था, पता है नीचे फट गया। फट गया, उसमें टाइकांडो खेलने जाएगा तो पैंट लगा के नहीं फटेगा, इसको लगा के खेलो, ब्लैक बेल्ट वाला कैसे फटता है देखते हैं हम भी। तो यही तो लगा के खेला था, फट गया। अभी दूसरा आया हुआ है, लगाओ ना ये। अच्छा सीक्रेट बात है, बाद में बताएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वाह वाह वाह, आया भाई ने बोला ना चेक करो, देखो हम चेक कर रहे हैं पैंट को। साला फट नहीं रहा, ये कैसे फट जाए? ये नया है वो माल है तो इसीलिए। तो क्या हमको पुराना माल दिया था तुम? नहीं उस टाइम का फैशन था, ये अभी का फैशन है। पैंट जैकेट सेलेक्ट हो गया, अभी मैं टी शर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक ये वाला है, ये तो छोटा हो गया ब्रो, ये देखो। हाँ ये थोड़ा अच्छा है बट ये कुछ बड़ा ही बेगी होगा। पूरे 2 घंटे के बाद हमने पूरा इधर उधर ढूंढा तो फाइनली हमें पसंद आया है ये जैकेट और ये टी शर्ट, और एक टी शर्ट है और ये स्पाइडरमैन वाला और ये पैंट वगैरह, 3 है। और क्या होता है ना, लाइक कहीं पे मैं प्रोग्राम पे डांस कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो मेरे को गर्मी हो गया और पीछे में लड़की है, ठीक है, और आगे से तो दिखाई दे रहा, मैं इतना हैंडसम तो लग रहा हूँ, ठीक है, तो गर्मी होगा तो पीछे से भी जब मैं ऐसे करके खोलूंगा तो सबसे पहले क्या दिखेगा, ये आँख, और इसी से अट्रैक्टिव लगता है। तो ये मेरे को एक्चुअली पीछे वाला ये एनिमी है ना, ये अच्छा लगा तो इसलिए हम ले लिए, आगे में उतना खास नहीं है बट आगे में तो ये कवर कर लेगा। चलिए गाइस बिल बना के निकलते हैं यहाँ से। ले लिया हूँ कपड़ा मनपसंद अपना, आई एम हैप्पी। ऑलराइट गाइस, डोमिनोज को यहाँ मैं आया था अपने बहन के लिए ना पिज्जा ले लिया हूँ, यहाँ पे एक पिज्जा नहीं दो पिज्जा लिया हूँ, बिकॉज अपना बहन 2 है ना और 2 बहन ना घर अलग अलग में रहता है, तो साथ ही साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री हमको चोकोलाबा भी मिला है, तो चलिए जाके अपने बहन को ये सरप्राइज देते। वेयर इज माई बहन,
पिज्जा। हाँ ये आपके लिए नहीं है, देखो भी मत। हम भी खाएंगे। नहीं 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 नहीं, किधर गया बहन मेरा? मैंने कल बोला था बहन तुम्हारे लिए पिज्जा। डेंटने ये लो चीज वाला, ठीक है मस्त खाओ। हाँ हाँ हाँ, ये फ्री में मिला था चोकोला भाई, ये आपके लिए। ओके गाइस, हम दूसरे बहन के घर आ चुके हैं, बट यहाँ पे तो पिकनिक हो रखा है आई थिंक। ये देखो, ए माय चैन, हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे ना पार्टी चल रहा है, पार्टी चल रहा है। पिज्जा लो, चीज वाला पिज्जा है। परी को दे दिया मैंने। Oh, my God.